हेलो एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक कॉलेज नौगांव। आई एम ऋतुराज कटहल, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो आइए आपको हम अपने गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक कॉलेज नौगांव से परिचय कराते हैं। तो देखिए, ये हमारा गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक कॉलेज नौगांव डिस्ट्रिक्ट छतरपुर एमपी में स्थित है। ये NH 39 जो नेशनल हाईवे है वो हमारा लगता है झांसी रोड में स्थित है, तो यूपी से भी कनेक्टेड है, तो आप यूपी से भी आ सकते हैं यहाँ पे। ये पॉलिटेक्निक महाविद्यालय नौगांव हमारा बहुत ही प्राचीन महाविद्यालय है। 1952 में ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था और ये एक हमारी ऑटोनोमस बॉडी है। तो आइए हम आपको अंदर ले चलते हैं और अपने कॉलेज से परिचित कराते हैं। तो देखिए, ये हमारा कॉलेज है, ये यहाँ पे हमारी मेन बिल्डिंग बनी हुई है, ऑफिस है हमारा, और इस यहाँ पे ही अंदर हमारा प्राचार कक्ष है हमारा, और यहाँ पे हमारा प्राचार्य कक्ष है। तो आइए हम आपको अपने प्राचार्य से मिलवाते हैं। तो आइए देखिए, ये हमारा ऑफिस है और हम आपको अब अपने प्राचार्य कक्ष में ले जाते हैं और प्राचार्य महोदय से मिलवाते हैं। तो ये हमारे प्राचार्य महोदय हैं, श्री BN सक्सेना सर। सर, आपसे कॉलेज के बारे में कुछ कहेंगे। जी सर, देखिए, हमारा महाविद्यालय जो है मध्य प्रदेश के सबसे पुराने महाविद्यालयों में से एक है। इसकी स्थापना 1952 में हुई थी और इसके पास आउट बच्चे हमारे विभिन्न स्थानों पर एम्प्लॉयड हैं। यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि इस महाविद्यालय से मैं स्वयं इसका पास आउट विद्यार्थी हूँ। हमारे यहाँ 60 विद्यार्थियों का प्रत्येक ब्रांच में इंटेक है। हमारे यहाँ 5 ब्रांचेज हैं और हमारे यहाँ बच्चे जो पढ़कर निकलते हैं उनको प्लेसमेंट भी प्रॉपर मिलता है। हमारे यहाँ की जो फैकल्टी है वो वेल क्वालिफाइड फैकल्टी है, गेट क्वालिफाइड हमारे यहाँ प्रोफेसर्स हैं और उनसे यहाँ का अध्यापन कार्य कराया जाता है। यहाँ के पढ़े हुए विद्यार्थी हमारे दूरस्थ क्षेत्रों में पदस्थ हैं और यह हमारे यहाँ का कम से कम एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह सकता हूँ कि हमारा जो है बहुत अच्छा स्कोर है मध्य प्रदेश में। और यहाँ मैं यहाँ के क्षेत्र के बच्चों से मैं आग्रह करता हूँ कि यहाँ हमारी जो सीटें हैं 60 60 60 सीटें हैं 5 ब्रांचेज में, वो यहाँ एडमिशन लें और लाभ लें और हमारा जो एकेडमिक जो हमारे पास पावर है उसका वो यूटिलाइजेशन। जी सर, धन्यवाद। चलिए, तो आइए अब हम आपको अपने डिपार्टमेंट्स ले चलते हैं। हमारे यहाँ 5 डिपार्टमेंट हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स और CS और जनरल सेक्शन डिपार्टमेंट। तो हम आपको सारे डिपार्टमेंटों से विजिट कराते हैं। आइए, तो हम आपको विद्युत इंजीनियरिंग विभाग, ये हमारा इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, मेरा भी यही डिपार्टमेंट है, मैं इसी डिपार्टमेंट में पदस्थ हूँ एज अ इलेक्ट्रिकल लेक्चरर, एज अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। तो हम आपको ले चलते हैं और अपने इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से परिचय कराते हैं और यहाँ के HOD से परिचय कराते हैं। तो ये इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, यहाँ पे हम सबसे पहले अपने HOD से परिचय कराते हैं आपको। तो ये इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के HOD हैं, श्री DR अहिरवार सर। तो आइए हम सर से बात करते हैं और सर से पूछते हैं कि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में डिप्लोमा में एडमिशन लेने से क्या क्या फ़ायदे हैं और यहाँ पे कितनी कितनी फैकल्टी हैं। जी सर, मैं HOD इलेक्ट्रिकल DR अहिरवार, नौगांव पॉलिटेक्निक कॉलेज नौगांव। हमारे विद्युत विभाग में 60 सीटें इनटेक हैं फर्स्ट ईयर की ब्रांच के लिए। थर्ड सेमेस्टर में थर्ड और फिफ्थ में 60 60 बच्चे रहते हैं। फिफ्थ और सिक्स और सेकेंड फोर्थ और सिक्स में 60 60 बच्चे प्रमोट होते हैं जैसे रिजल्ट आता है। यहाँ पर जो लैब की फैसिलिटी है, लगभग उनको जो संभव होते हैं वो प्रैक्टिकल कराए जाते हैं। हमारे लैब असिस्टेंट मिस्टर चंदेल जी और सरोडिया जी आदि सभी सहयोग करते हैं। हमारे व्याख्यातागण श्रीमती ऋतुराज कटहल और श्रीमती अनामिका चौरसिया का भरपूर सहयोग रहता है। कोशिशवर हमारे यहाँ की जो क्लासेस हैं उनको भरपूर पढ़ाया जाता है, सिलेबस कोशिशवर 99% कराया जाता है। मैं बच्चों से, जो भी बच्चे हमारे यहाँ नवीन प्रवेश लेंगे उनकी हर समस्या का ध्यान रखा जाएगा और उनकी जो भी स्टडी मटेरियल है वो उनको उपलब्ध कराया जाएगा। जी
सर आप बच्चों को बता सकते हैं कि यहाँ पे एडमिशन लेने से, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में एडमिशन लेने से उनका फ्यूचर में क्या रहेगा, क्या स्कोप है, कहाँ कहाँ वो जा सकते हैं, इसके बारे में भी आप बच्चों को बताएं। शासकीय सेवा में भी एमपीबी हो गया और पब्लिक सेक्टर में ग्रिड पावर की जनरेशन हो गया, ट्रांसमिशन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया और पावर जनरेशन हो गया, डिफरेंट ट्रांसमिशन हो गया, इन सभी क्षेत्रों में बच्चे जाते हैं और हमारे यहाँ का बहुत अच्छा परसेंटेज रहा है कि जो बच्चे वास्तव में टैलेंट रखते हैं उनको कहीं ना कहीं जॉब मिलता है। रेलवे वगैरह में सब इंजीनियर की पोस्ट पर अधिकांश बच्चे जो है इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा वाले अपॉइंट होते हैं। जी धन्यवाद सर। सर हमारा जो भी बच्चे यहाँ पे एडमिशन लेते हैं उनको स्कॉलरशिप दी जाती है, एसटीएससी बच्चों को, ओबीसी के भी बच्चों को, जनरल को भी। तो सर एसटीएससी स्कॉलरशिप एंड ओबीसी स्कॉलरशिप प्रभारी भी हैं, तो हम इनके जो सहयोगी हैं स्कॉलरशिप वाले सर, उनसे हम चर्चा करते हैं इस बारे में कि स्कॉलरशिप क्या कैसे मिलती है। जो शासन की योजना है उसके तहत एससी और ओबीसी और जनरल कैटेगरी के छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको डी के सरोटिया जी देंगे। लेकिन मैं एक जानकारी और देना चाहता हूं कि मैं अपने संस्था का एनसीसी ऑफिसर हूं, कैप्टन डी आर अहिरवार, और बच्चों को बहुत सारे बच्चे जो हमारे यहां से अच्छे अच्छे पदों पर आसीन हैं जिन्होंने एनसीसी की है और एनसीसी पर लेकर बीओसी सर्टिफिकेट करके सेना में जाते हैं, जो है सीआरपीएफ में जाते हैं, रेलवे पुलिस में जाते हैं, ऐसे कई सुनहरे अवसर मिलते हैं एनसीसी कैडेट्स को, जहां पर वो मैनेजर के पदों पर भी काम करता है। और हमारा भरसक प्रयास रहता है कि बच्चे, अगर बच्चे के अंदर डिसिप्लिन जितना अच्छे से अच्छा हम ला सकते हैं वो कोशिश करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद सर। तो ये हमारे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के सहयोगी हैं श्री डी के सरोठिया सर और श्री एचजीएस चंडेल सर। एचजीएस चंडेल सर हमारे लैब टेक्नीशियन हैं और सरोठिया सर भी, और ये सरोठिया सर जो हैं हमारे वो यहाँ पे स्कॉलरशिप का काम देखते हैं। एसटीएससी के जो बच्चे आते हैं उनको स्कॉलरशिप दी जाती है, तो इसका सारा कार्य यही देखते हैं। तो सर आपको हमारे बताएंगे कि स्कॉलरशिप में क्या क्या प्रक्रिया होती है, कैसे कैसे मिलती है, क्योंकि कई सारे बच्चे जो हैं वो हमारे गरीब तबके से होते हैं, उनको बहुत ही दिक्कत होती है। तो आप एडमिशन लें, कोई दिक्कत नहीं है, आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है पूरी, आपको जो भी पढ़ाई का स्कॉलरशिप है वो पूरा 10,000 रुपये जो भी फीस है वो दी जाती है। तो सर आपको इसके बारे में बताएंगे, तो सर प्लीज़ बताइए कि कैसे स्कॉलरशिप दी जाती है, क्या क्या प्रक्रिया है। छात्र सबसे पहले प्रवेश लेने के बाद अपना स्कॉलरशिप ऑनलाइन जाके वहाँ से ऑनलाइन फॉर्म भरता है और फॉर्म को इंस्टीट्यूट में जमा करता है, और जिनके माता पिता की आय 2.5 लाख तक होती है उनको पूरी छात्रवृत्ति और पूरी शिक्षण शुल्क दी जाती है, और 2.5 लाख से ऊपर वाले को केवल शिक्षण शुल्क की ही पात्रता होती है, उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो देखिए सर ने आपको बताया, तो जो भी हमारे स्कॉलरशिप मिलती है वो डिपेंड करती है कि आपके फादर की या मदर की, मतलब आपकी फैमिली इनकम क्या है, फैमिली इनकम पे ही डिपेंड करता है कि आपको कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी। तो स्कॉलरशिप मिलती है, इसके लिए आप चिंता ना करें। तो आप लोग प्रवेश लें और फिर देखें कि क्या क्या यहाँ पर स्कॉलरशिप है। तो अगर जो भी एसटीएससी के बच्चे आते हैं उनको अगर कोई भी समस्या है तो आप श्री डी के सरोठिया सर से संपर्क कर सकते हैं स्कॉलरशिप के संबंध में। ये इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की लैब है, यहाँ पे काफ़ी पुरानी लैब है क्योंकि कॉलेज ही हमारा काफ़ी पुराना बना हुआ है। तो आप जो भी बच्चे यहाँ पे प्रवेश लेते हैं उनको सारे प्रैक्टिकल भी कराए जाते हैं। ये केवल यहाँ पे मशीन की लैब है, अंदर वहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह सारी लैब है यहाँ पे स्थित हैं। तो आइए हम आपको एक प्रोजेक्ट दिखाते हैं जो कि हमारे बच्चों ने बनाया है। ये भी हमारे फाइनल ईयर के बच्चों ने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है हमारा। ये देखिए यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट हमारे बच्चों ने बनाया हुआ है। ये हमारा इलेक्ट्रिकल जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोजेक्ट है। तो आप देख सकते हैं, तो ये सारा बच्चों ने ही बनाया है, गाइडेंस में हमारे एचओडी सर, डीआर अहिरवार सर और मेरे गाइडेंस में ये बच्चों ने यहाँ पे बनाया हुआ है। देखिए तो यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे ये हमारा प्रोजेक्ट जो बना हुआ है, ये बना हुआ है हमारे ये विंड मिल से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है सब आप जानते हैं। विंड मिल हमारे जो इंदौर में, इंदौर के पास देवास है, वहाँ पे बहुत सारी विंड मिल लगी हुई हैं। तो ये हमारा उसी तरीके का एक हम नॉर्मल मॉडल टाइप से बनाया हुआ है, जनरेशन भी होता है ऐसा नहीं है, मैं उसी को दर्शाया गया है कि कैसे जनरेशन होता है। तो ये देखिए यहाँ पे विंड मिल लगी हुई है हमारी, उसके बाद ये हमारे जनरेशन है, कैसे कैसे जनरेशन होता है, पूरा टावर बना हुआ है, उसके बाद ट्रांसमिशन
कनेक्शन कैसे होता है, ये हमारे इंडस्ट्री जो होता है उनमें तार कैसे होगा हमारा, और ये सारे हमारे हाउसेस हैं तो ये जनरेटिंग स्टेशन है हमारा सबसे पहले, उसके बाद आप देख सकते हैं कि इंडस्ट्री हो गया ये, तो ये सारी ट्रांसमिशन लाइन लगी हुई हैं कि कैसे जनरेट हो रहा है, ये यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं क्योंकि जब भी आप जनरेशन करते हैं तो स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इस तरीके के आपको चाहिए होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को अप डाउन करने के लिए। तो इसी तरीके के हमारे बच्चे कई सारे प्रोजेक्ट बनाते रहते हैं, ये एक अभी मॉडल यहाँ पे रखा हुआ था तो मैंने आपको दिखाया। तो अगर आप इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में एडमिशन लेते हैं तो आपको प्राइवेट और हमारे जो भी गवर्नमेंट सेक्टर है दोनों में ही बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन मिलता है, आप इसमें आपकी जॉब लग सकती है। तो आप जैसे कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एमपीबी हो गया हमारा, जो भी एसएससी के थ्रू भी हमारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बहुत सारी पोस्ट निकलती हैं तो उन सब में भी आपका एडमिशन हो सकता है, और प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एक हमारी कोर ब्रांच है तो इस कोर ब्रांच के थ्रू आप अगर कोई नहीं चाहे तो वो चाहे तो एक इलेक्ट्रिसिटी की शॉप ही खोल सकता है, काफ़ी यहाँ में चलते। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। महिला सेल के प्रभारी श्रीमती रितु कटहल। नमस्कार, तो मैं ऋतुराज कटहल इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में बैठाता हूँ और मैं महिला सेल का भी चार्ज देखती हूँ, और हमारे यहाँ पे हॉस्टल भी है, गर्ल्स हॉस्टल है वो भी मेरे ही अंडर में है। तो जो हमारा गर्ल्स हॉस्टल है वो 550 सीटर है, वहाँ पे सारी सुविधाएं उपलब्ध है, हमारे बेड टेबल फैन वगैरह सारी सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्टल हालांकि अभी चालू नहीं है, बट जब भी आप लोग आते हैं अगर कोई डिमांड करता है तो हॉस्टल को चालू किया जाएगा हमारा, और वहाँ पे सुविधाएं हैं। तो जो भी हमारे दूर के बच्चे होते हैं, लड़कियां होती हैं, तो दिक्कत होती है कि हम कहाँ पे रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे सारी जगह के बच्चे एडमिशन लेते हैं, हमारे दूर दूर से आते हैं, सतना वगैरह के एमपी के बच्चे ही एडमिशन ले सकते हैं, बट एमपी में भी काफी दूर से आते हैं तो उनको सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, हॉस्टल भी हमारा उपलब्ध है। और जो हमारा महिला सेल होता है तो महिला सेल में हमारा सारा कार्य होता है कि महिला से रिलेटेड जो भी हमारी दिक्कतें होती हैं वो सारी देखी जाती हैं और उनको सुलझाया जाता है, क्योंकि कई सारी महिलाएं ऐसी होती हैं, मतलब जो हमारे यहाँ पे छात्राएं एडमिशन लेती हैं तो उनको दिक्कत होती है, रैगिंग वगैरह होती है, तो एंटी रैगिंग वगैरह कमेटी में भी हम लोग हैं। तो अगर कोई भी महिला छात्रा ऐसी है जिसको कोई भी दिक्कत है, अगर जो भी हमारा एंटी हरासमेंट कमेटी है उन सबका इंचार्ज मैं हूँ, तो अगर उनको कोई भी दिक्कत होती है तो वो हमसे बोल सकते हैं और हम उनकी समस्या का समाधान करते हैं। तो आप जो भी हमारी गर्ल्स हैं वो यहाँ पे आए, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कई सारे हमारे जो भी पेरेंट्स होते हैं उनको दिक्कत होती है कि लड़कियां हैं छोटी छोटी हैं, क्योंकि टेंथ के बाद बच्चे ज्यादा बड़े नहीं होते हैं, तो उनको ये लगता है कि हम बच्चों को कैसे बाहर भेज दें। तो जैसे आप गार्जियन हैं तो वैसे ही हम उनके सेकेंड गार्जियन हैं, तो आप उनको बिल्कुल हमारे भरोसे छोड़ सकते हैं, हम उनकी सारी समस्याएं जो भी होती हैं उनको समाधान करते हैं। तो थैंक यू सो मच मैम। तो ये हमारा नेक्स्ट डिपार्टमेंट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, तो आइए हम आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ले चलते हैं। तो ये हमारा मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, तो आइए सबसे पहले हम आपको यहाँ के एचओडी सर से मिलवाते हैं। तो ये हमारा एचओडी कक्ष है, ये हमारे एचओडी सर हैं श्री एस के शुक्ला सर। हमारे यहाँ पर हॉस्टल की भी सुविधा है, गर्ल्स हॉस्टल भी बॉयज़ हॉस्टल भी, तो बॉयज़ हॉस्टल के इंचार्ज भी हमारे शुक्ला सर हैं, और वर्कशॉप भी है, वर्कशॉप सुपरिंटेंडेंट भी शुक्ला सर हैं, और सबसे मेन चीज़ है हमारी टीपीओ ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर, जो सभी छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही हमारी मेन बात होती है कि हमारा ट्रेनिंग कहाँ प्लेसमेंट कहाँ पे होगा, तो ट्रेनिंग और प्लेसमेंट ऑफिसर भी हमारे शुक्ला सर हैं, तो वो आपको बताएंगे कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट में आपको प्रवेश लेने से क्या क्या फ़ायदे हैं और यहाँ पे कौन कौन से हमारी ट्रेनिंग वो प्लेसमेंट्स होते हैं सबके बारे में सर आपको बताएंगे। तो सर बताइए कि यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं। मैं श्रीकांत शुक्ला, विभागाध्यक्ष मैकेनिकल इंजीनियरिंग। जो भी हमारे यहाँ बच्चे प्रवेश लेते हैं तो 60 सीट का इंटेक है यहाँ पर मैकेनिकल में, और प्रवेश लेने वाले बच्चों को जैसे ही वो फिफ्थ सेमेस्टर में जाते हैं, जैसा कि प्रवेश में भी आपको बताया गया होगा कि 3 वर्ष का कोर्स होता है हमारा डिप्लोमा का, तो फिफ्थ सेमेस्टर के बाद ही जो मैकेनिकल के जो हमारे बच्चे हैं तो उनका कैरियर की जो संभावनाएँ हैं प्रबल हो जाती हैं और उनका प्लेसमेंट हो जाता है। जैसा कि मैडम ने बताया कि मैं ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट भी देखता हूँ, तो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट मेरे को केवल मैकेनिकल का नहीं देखना, सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, तो मैकेनिकल में प्रवेश लेने वाले जो भी स्टूडेंट हैं तो उनको आज की डेट में जॉइंट डियर आइशर सुब्रोज लिमिटेड एल एन टी
इन कंपनियों में जॉब मिल जाता है। और अभी तक पिछले कई सालों से जो हमारा प्लेसमेंट है वो लगभग 90% जा रहा है। यदि बच्चे को बी नहीं करना है तो उसके हाथ में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कम से कम चार चार जॉब उसके पास रहती है। तो यदि बच्चा मैकेनिकल में प्रवेश लेता है तो वो मैकेनिकल से आगे चल करके 3 साल के बाद लेटरल एंट्री के माध्यम से इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश ले सकता है। बी के सेकेंड ईयर में उसे प्रवेश मिलता है और वो यदि हायर एजुकेशन और करना चाहता है तो एमटेक कर सकता है, पीएचडी कर सकता है, क्योंकि पढ़ाई का कोई अंत नहीं है। और यदि बच्चा डिप्लोमा करने के बाद बी कर ले, एमटेक कर ले और उसके बाद नौकरी करे तो ये जो है बहुत ही अच्छा वर्क है। मैं अभी बता रहा हूँ कि वर्कशॉप के बारे में, क्योंकि मैं अभी वर्कशॉप भी देख रहा हूँ। तो जो भी स्टूडेंट हमारे प्रथम वर्ष में प्रवेश करते हैं, चाहे वो सिविल हो, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, उनको 6 महीने का वर्कशॉप का कोर्स होता है। वर्कशॉप में आपने अभी जो भी हमारे बच्चे प्रवेश लेते हैं अपने आसपास आपने देखा होगा, स्मिथी वर्क है, कारपेंट्री है, ये बहुत सारे वर्क होते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में उसमें बताया जाता है और ये 6 माह का कोर्स होता है जिसमें बहुत सारे हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होते हैं। तो स्टूडेंट को ये पता चल जाता है कि किस प्रकार से हमको आगे चल करके और मेहनत का कार्य करना है, क्योंकि एक जो अनट्रेंड वर्कर है वो उस कार्य को एक अलग तरीके से करता है। और जब हम ट्रेनिंग लेकर के डिप्लोमा इंजीनियर बन जाते हैं तो उसी कार्य को एक हमारे जो करने का तरीका होता है वो अलग होता है। अभी आपने सुना होगा कि प्रधानमंत्री जी की, मुख्यमंत्री जी की स्किल इंडिया कार्यक्रम जो चल रहा है, तो हमारा भी मेन वर्क यही है कि हम किस प्रकार से आपको स्किल अप करें। तो ये रहा वर्कशॉप के बारे में। मैंने अभी मैडम ने बताया कि मेरे पास NSS राष्ट्रीय सेवा योजना, हमारे संस्था में NCC है, NSS है। तो आपको अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, आपको सोशल वर्क के लिए, आपको सोसाइटी के लिए बहुत सारी अपार संभावनाएं हैं राष्ट्रीय सेवा योजना के द्वारा, तो वो कार्य कर सकते हैं। और जैसा कि मैडम ने बताया कि हमारे यहाँ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल है, बॉयज हॉस्टल है, बहुत सारे जो बच्चे हैं जो बाहर से आते हैं उनको डे फर्स्ट से ही प्रॉब्लम होती है कि हम उस शहर में जाएंगे, एक अनजान शहर है, तो वहाँ पर हमारे पास रहने की यदि व्यवस्था अच्छी तरीके से हो जाए तो फिर सारी टेंशन माता पिता की दूर हो जाती है। तो हमारे यहाँ एक बढ़िया 102 सीटर हॉस्टल है, आपको उसमें बेड, टेबल, कुर्सी, फैन प्रोवाइड किया जाता है, गर्ल्स के लिए भी हॉस्टल है, तो ये हॉस्टल की सुविधा है। और चूँकि अभी पिछले 2 वर्ष थे तो ये COVID-19 के कारण जो क्लासेस थी वो ऑनलाइन थी। अभी आप लोगों ने भी सुना होगा कि 10th की क्लासेस लगने लगी, 11th 12th की लगने लगी। तो जैसे ही हमारा नवीन सत्र प्रारंभ होगा जिसमें कि आप लोग प्रवेश लेने वाले हैं 2021-22 बैच में, तो आपको जो ऑफलाइन क्लासेस हैं क्लासरूम में आकर के पढ़ने को मौका मिलेगा। मैं अपने स्टाफ के बारे में परिचय बता दूं, जो हमारे यहाँ है अभी सुश्री अमृता द्विवेदी मैडम, व्याख्याता मैकेनिकल इंजीनियरिंग। फिर हमारे साथ हैं श्री अमित जाटव जी, श्री पवन अग्रवाल जी, ये हमारे व्याख्याता हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के। जो हमारे सपोर्टिंग स्टाफ में हैं, कर्मशाला निर्देशक श्री जूनियर इंस्ट्रक्टर का जो पद है उनका US शुक्ला जी, लैब टेक्नीशियन श्री परमलाल अहिरवार जी, और जो हमारे 4th क्लास के सहयोगी हैं श्री बिंदा पैकवार जी। ये दिन रात मेहनत करके आप कोई भी कभी भी आ जाइए, जो भी संस्था का समय है 10 से 6 बजे तक, उसके बीच आप कभी भी आइए। ऑफलाइन क्लास के बाद आप लैब में आते हैं तो हमारी जो लैब है वेल इक्विप्ड लैब है, सारे इक्विपमेंट, सारे टूल्स जो भी मैकेनिकल में आवश्यक है वो सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। मैं अपने जो हमारे व्याख्याता सुश्री अमृता द्विवेदी से मैं चाहूँगा कि वो आपको थोड़ा सा मार्गदर्शन करें। सुश्री अमृता द्विवेदी जी, मैम बताइए। जी, जैसा कि सर ने बताया, जैसा कि सर ने बताया, मैं अमृता द्विवेदी यहाँ पर मैकेनिकल डिपार्टमेंट में व्याख्याता के पद पर हूँ। जैसा कि सर ने बताया कि हमारे जो कॉलेज है इसमें सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, सारी लैबोरेटरीज वेल इक्विप्ड हैं, जिसमें हमारा जो मैकेनिकल विभाग है यहाँ पे आपको सारी मशीनरी देखने को मिलेंगी अगर आप हमारी लैब विजिट करेंगे तो।
वैसे तो आप 10th के बाद या 12th के बाद डिप्लोमा में कैसे दोनों के बाद ही प्रवेश ले सकते हैं, लेकिन आप अगर 10th के बाद प्रवेश लेते हैं तो आपके 2 साल 11th 12th बच जाएंगे। उसके बाद आप डिप्लोमा करने के बाद 3 साल का डिप्लोमा करेंगे तो आपको सीधे बी के सेकेंड ईयर में, बी टेक के सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलता है और आप टेक्निकल लाइन से अवेयर हो जाते हो, मतलब आपको ज़्यादा अच्छे से, अगर आप ग्रेजुएशन करते हो टेक्निकल में तो आप ज़्यादा अच्छे से उसे कर सकते हो। आपको सबसे बड़ा फायदा ये है डिप्लोमा करने का कि आपके लिए दोनों लाइन खुली रहती हैं, टेक्निकल भी नॉन टेक भी, आपको जिसमें जाना है आप जा सकते हो। और ऑब्वियसली आप अगर टेक्निकल लाइन से कुछ करते हो तो आपका ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। आप प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकते हो, हमारे यहाँ कैंपस आते हैं, हमारा जो TPUSL है वो काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे काफ़ी कंपनीज आती हैं, आप आराम से प्लेस्ड हो सकते हो। तो आप प्राइवेट सेक्टर भी चूज कर सकते हो, आपको आगे अगर पढ़ाई करनी है तो आप ग्रेजुएशन भी कर सकते हो। बहुत बहुत ही अच्छा रहता है कि सीधे आप सेकेंड ईयर में एडमिशन लेते हो, वहाँ पे आपका 1 साल बच जाता है। तो आप जो चाहे यहाँ से कर सकते हो, जब भी आप यहाँ पर डिप्लोमा करोगे तो आपके लिए सारी लाइन खुली रहती हैं। और आप आइए और हमारा कॉलेज विजिट करिए, फिर आप डिसाइड कर सकते हैं आपको किस लाइन में जाना है। ओके, थैंक यू मैम। तो सर आप बताएंगे कि आपको ये ट्रॉफी किस में मिली हुई थी, सर आपको बताएंगे। आपका प्रश्न रहा, ये जो हमारी ट्रॉफी है ये हमारे यहाँ जो बच्चों ने एक इनोवेटिव प्रोजेक्ट बनाया था जी सर, तो उस प्रोजेक्ट के बारे में भी हम आपको जब लैब में चलेंगे तो विस्तृत जानकारी भी देंगे। तो उस प्रोजेक्ट में जो हमारा ये कॉलेज है तो अंडर 3 में सेलेक्ट हुआ था और स्टार समाचार ग्रुप है तो उन्होंने भोपाल में इन्वाइट किया, हमारे मध्य प्रदेश शासन के गृह मंत्री जी वहाँ पर एज ए मुख्य अतिथि थे, तो उन्होंने, मैं स्वयं गया था एज ए TPO और हमारे जो टीम थी जो जिस स्टूडेंट ने यहाँ पर बनाया था इस प्रोजेक्ट को, तो ये था प्रोजेक्ट ट्राई बाइक एम्बुलेंस। स्टूडेंट ने इस प्रोजेक्ट में ये खासियत जनरेट की थी कि कबाड़ से जुगाड़, जो भी मतलब व्यर्थ का सामान था, क्योंकि ऑटोमोबाइल का एक लाइफ होता है तो इंजन तो उन्होंने जो भी लाइफ पीरियड है उसके अंदर का लिया था और बाकी सारी चीज़ें कबाड़ से लेकर के, और एक सस्ते दर पर एक ट्राई बाइक एम्बुलेंस जिसमें कि एक बाइक का इंजन था उसको डेवलप किया था। और ये हम अभी आपको प्रोजेक्ट के बारे में आइए चलते हैं आपको बताते हैं। तो ये हमारे नौगा पॉलिटेक्निक के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि यहाँ पे जो बच्चे हैं वो इतना अच्छा काम करते हैं कि हमें बाहर से हमारे जो गृह मंत्री हैं उनके द्वारा ये सील दी गई है, हमारी उपाधि दी गई है। तो आइए हम आपको प्रोजेक्ट बताते हैं कि कौन से प्रोजेक्ट के लिए ये हमें मिली हुई थी। तो देखिए यहाँ पे मशीन है, आप देख सकते हैं कि हमारी जो मशीन है, बाकी सारी यहाँ पे मशीनें उपलब्ध हैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट में। और देखिए आप, तो आप जब भी यहाँ पे आते हैं प्रवेश लेंगे तो आपको सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। ये देखिए यहाँ पे एक ई रिक्शा बना हुआ है हमारा। तो सबसे पहले वो ट्रॉफी किसके लिए मिली थी वो हम आपको दिखाते हैं, प्रोजेक्ट जो है हमारा। आइए देखिए, ये हमारा ट्राई बाइक एम्बुलेंस था और इसमें जो एम्बुलेंस के अंदर सुविधाएं रहती हैं वो सारी सुविधाएं इसमें इक्विप्ड की गई थी। और इसमें ये देखिए आप अंदर देखेंगे तो एक ऑक्सीजन सिलेंडर है, क्योंकि अभी जो हमारा प्रदेश है, देश है, इवन वर्ल्ड की भी हम बात करें तो हम COVID-19 से जूझ रहे हैं और अभी फिर से चल रहा है कि जो तीसरी लहर है वो आने वाली है। तो हम मिनिमम समय में, हमारी एक इसके अंतर्गत एक सेल है और वो सेल जैसे ही व्हाट्सएप पे उसको सूचना मिलेगी वो कम से कम समय में गांवों में पहुंच करके और उस मरीज को यहाँ तक लाएगा। तो ये ट्राई बाइक एम्बुलेंस, इसके लिए हमें अवार्ड मिला था और इसी से मिलता जुलता हम आपको एक प्रोजेक्ट और आपको दिखा रहे हैं। आइए थोड़ा इधर लेके आइए, ये हमारा क्वारंटाइन रूम है, क्योंकि जब हम गाँवों में जाते हैं, देखिए ये जो हमारा ये क्वारंटाइन रूम है ये अभी के बैच ने बनाया, देखिए अभिषेक विश्वकर्मा, अमर अनुरागी, अमित अनुरागी, दीपिका मिश्रा, ये हमारा बैच है जो हमारे इसमें टीचरों का सहयोग रहा, अमित जाटो जी, पवन अग्रवाल जी, अमृता द्विवेदी मैडम और मैं स्वयं इसमें बच्चों को गाइड किया, जो हमारा सपोर्टिंग स्टाफ है US शुक्ला जी, PL अहरवार जी। आइए थोड़ा अंदर से दिखाते हैं इसके बारे में हम आपको बताएं। तो जिस प्रकार से क्वारंटाइन, जब ये कोविड आया तो ये एक अज्ञात कक्ष जिसको हम बोल सकते हैं हिंदी में, तो इसकी एक बलवती भावना प्रज्वलित हुई। तो इसमें यह था कि जो भी जिसमें भी कोविड के सिम्टम हैं
उसको हम इस कक्ष में ले जाकर के और अलग कर देते हैं। तो इसमें उसके लिए देखिए बेड है, और भाई थोड़ा अंदर लेके आइए आप, ये देखिए इसके लिए यहाँ पर फैन है, ये फर्स्ट एड किट है, ये हैंड सैनिटाइजर है, ये चालू है, बैटरी ऑपरेटेड है, और ये देखिए जब रूम में हमारे वायरस आ जाते हैं कोविड के, तो इसके द्वारा ये हमारे वायरस तुरंत जो अल्फा रेड है उसके द्वारा ये संक्रमण दूर हो जाता है। ये देखिए उसके लिए बेड बनाया गया है, इसके लिए जैसे ही उसको समझ में आता है कि मैं कोविड से और प्रभावित हो गया हूँ, तो ये पीपी किट है वो स्वयं वियर करे, और जो हमारे डॉक्टर आते हैं तो उनको अपने सामने जो है स्वयं दिखा सके, उसको समय समय पर बदलने के लिए ये जो है मास्क है, क्योंकि दिन में कम से कम जब उसको संक्रमण हो गया तो ये मास्क वियर करना पड़ेगा। और डस्टबिन में ये देखिए डस्टबिन की सारी चीज़ें हमने यहाँ पर इक्विप्ड की हुई है, तो इस डस्टबिन में वो डालेगा और हैंड ग्लव्स वियर करके, और फिर उनको सारी चीज़ें उसको बताई जाती है किस प्रकार से आपको पीपी किट पहनना है, किस प्रकार से आपको ग्लव्स यूज करना है, मास्क समय समय पर आपको कभी भी विदाउट मास्क नहीं रहना, जो भी यहाँ पर आएगा। ये देखिए पानी की व्यवस्था, ये हम देखिए फायर एक्सटिंग्विशर, मतलब यदि गलती से भी कुछ वहाँ पर हो जाता है तो अग्निशमन यंत्र भी है, तो इससे जो है अपना वो बचाव स्वयं कर सकता है। तो ये जो मॉडल रूम है, क्योंकि गाँवों में बड़े परिवार होते हैं, और जो परिवार होते हैं उसमें सभी लोग दादा और उनके पिताजी बच्चे भाई बहन सब एक साथ रहते हैं, बड़ा परिवार होने के कारण उनके पास ऐसा रूम नहीं होता, तो ये हम छोटे छोटे रूम डेवलप करके और उन गांवों में हम प्रोवाइड करने की जो हमारी ये योजना है, और हम इसको जो है हम चाहते हैं कि हम इसको पेटेंट कराएँ। ये हम OBC स्कॉलरशिप के बारे में सबको पूरी जानकारी है, और देखिए जो 2.5 लाख तक की आय है यदि उसका आय प्रमाण पत्र है तो उसको स्कॉलरशिप मिलेगी, जैसा डिजिटल सर्टिफिकेट चाहिए। हाँ, और क्योंकि आज की डेट में यदि हम देखते हैं सब कुछ हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से डिजिटल इंडिया, तो डिजिटल इंडिया में आज की डेट में हमारे पास निवास प्रमाण पत्र डिजिटली है, हमारे पास आय प्रमाण पत्र, हमारे पास जाति प्रमाण पत्र, ये सारा कुछ हमारे पास डिजिटल है। तो डिजिटल का मतलब ये कि जो बच्चा है यदि उसके पास अभी ऑफलाइन वाला जो बना हुआ प्रमाण पत्र है तो अभी समय है, तो डिजिटल प्रमाण पत्र बनवा लें इन सारी चीज़ों के, और जब ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा प्रवेश लेने के एक माह के अंदर वो फॉर्म भरता है, और फिर वो फॉर्म का हार्ड कॉपी वहाँ से प्रिंट आउट लेकर के संस्था में जमा करेगा। हमारी जो टीम है इसमें श्री PL अहरवार जी, श्री US शुक्ला जी, हमारे यहाँ के स्वयं मैकेनिकल के व्याख्याता, और मैं स्वयं प्रभारी हूँ, तो हम लोग चेक करके, और यदि सारी चीज़ें आपकी सही हैं तो आपको स्कॉलरशिप जो कि ट्यूशन फीस है 10,000 रुपये वो मिल जाती है, और 4,000 रुपये लगभग अप्रॉक्सीमेट मैं बता रहा हूँ वो आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर SC ST और OBC की स्कॉलर में अंतर ये है कि जो SC ST का स्टूडेंट प्रवेश लेता है तो उसको ट्यूशन फीस जमा नहीं होती, केवल 220-320 रुपये मात्र 370 रुपये नॉमिनल चार्ज जमा होता है और प्रवेश मिल जाता है। OBC को पूरी फीस लगेगी 10,370, बाद में वो 10,000 रुपये आपके वापस हो जाते हैं यदि आपका आय प्रमाण पत्र 2.5 लाख की श्रेणी में है। तो आइए स्टूडेंट, हम आपका स्वागत करते हैं आप प्रवेश में, और यहाँ पर स्कॉलरशिप का फायदा उठाएँ। तो जो भी हमारे स्टूडेंट हैं वो ST SC OBC के, उन सबको स्कॉलरशिप मिलती है, अगर उनके पिताजी या फिर उनके फैमिली इनकम जो है वो हमारी 2.5 लाख से कम है तो उनको स्कॉलरशिप की भी सुविधा उपलब्ध है, तो वो चाहें तो यहाँ एडमिशन लें, तो इसको फीस की कोई भी दिक्कत नहीं है, फीस हमारी रिफ़ंड हो जाएगी। शुरुआत में आपको 10,000 रुपये फ़ीस देनी होगी, लेकिन उसके बाद आपकी जो भी फ़ीस है वो रिफ़ंड हो जाएगी अगर आपके सारे जो भी दस्तावेज हैं, जो भी सर्टिफिकेट हैं वो सही पाए जाते हैं। तो चलिए, ये था हमारा मैकेनिकल डिपार्टमेंट, अब हम आपको अपने कॉलेज के और भी डिपार्टमेंटों से। ये हमारा नेक्स्ट डिपार्टमेंट है सिविल इंजीनियरिंग विभाग, सिविल जो ब्रांच है हमारी वो कोर ब्रांच है, तो हम आपको इसमें ले चलते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग विभाग में हमारे क्या क्या है। तो आइए, सबसे पहले हम आपको यहाँ के HOD सर विभाग अध्यक्ष से मिलवाते हैं। तो आइए, हम आपको सिविल इंजीनियरिंग विभाग के विभाग अध्यक्ष HOD सर श्री RK गोस्वामी सर से मिलवाते हैं। तो ये हमारे श्री RK गोस्वामी सर। तो सर, मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर बच्चे यहाँ पे एडमिशन लेते हैं डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में तो उनको क्या क्या फ़ायदा होगा, आप इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, हमारे ये पॉलिटेक्निक में यदि छात्र पॉलिटेक्निक अथवा सिविल इंजीनियरिंग की ब्रांच में यदि छात्र प्रवेश लेते हैं तो उनको
तीन साल का यहाँ से डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलता है। इस सर्टिफिकेट के बाद वो उनको ढेर सारी संभावनाएं हैं अपना व्यवसाय जमाने की अथवा सरकारी नौकरी में जाने की अथवा आगे की उच्च हाई एजुकेशन की। डिप्लोमा करने के बाद वो बी में प्रवेश ले सकता है, मैट के आधार पर उसका होता है। अब आते हैं व्यवसाय के ऊपर। व्यवसाय यदि उसे करना है तो या तो वो नौकरी करेगा अथवा स्वयं का अपना व्यवसाय सेट करेगा। तो नौकरी में उसको देखिए सब इंजीनियर की नौकरी मिलती है और डिप्लोमा जो करके जाता है तो एमपी अथवा एमपी के अदर इंडिया के अदर दूसरे स्टेट वहाँ भी उसको नौकरी मिलती है। व्यवसाय की बात आती है तो व्यवसाय में स्वयं का व्यवसाय कंस्ट्रक्शन में काम कर सकता है अथवा कॉन्ट्रैक्ट इसी का काम वो जब वो करता है तो उसको ढेर सारा फायदा होता है क्योंकि वो सब्जेक्ट से ऑलरेडी अध्ययन किया हुआ है कैसे कौन सा कंस्ट्रक्शन कराना होता है और विभाग में भी उसको थोड़ा सा लाइक किया जाता है इस तरह के कॉन्ट्रैक्टर का करने की जो कार्य करता है। जी सर धन्यवाद। सर आपके यहाँ कितने फैकल्टी हैं? हमारे यहाँ अभी हम तीन ही लोग हैं और जो हमारी जो फैकल्टी है शेष जो रहती है गैस फैकल्टी टीम में मैं स्वयं हो गया। दूसरे नंबर पे हमारे श्री सक्सेना साहब आते हैं। तीसरे नंबर पे श्री जितेश अकबाली आते हैं। हम तीनों रेगुलर फैकल्टी में आते हैं और शेष जो हमारे यहाँ एक फैकल्टी जो रहती है वो रहती है गैस फैकल्टी। जी सर। तो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है पढ़ाई में? अगर बच्चे आते हैं एडमिशन लेते हैं तो रेगुलर फैकल्टी भी हैं और जो फैकल्टी बचती हैं तो उनके लिए गेस्ट फैकल्टी रखी जाती है और अध्ययन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है? हमारे यहाँ जो भी सीट्स हैं उस सीट के अनुसार हमारे यहाँ अभी पहले से चार सीट रही है। एक हेड की सीट रहती है, चार लेक्चर्स की रहती है। तो ऐसी स्थिति में हम हमारे यहाँ जो भी सब्जेक्ट्स रहते हैं हम आपस में शेयर करके बच्चों को अच्छे से अच्छा पढ़ाने की कोशिश करते हैं। अभी कोरोना के दौरान भी मैं यदि बात करूं तो मैं अथवा हमारे जो सहयोगी साथी हैं सभी ने तीन तीन सब्जेक्ट लेके बच्चों का अध्ययन पूरा करा है। जी सर धन्यवाद। तो आइए आपको मिलवाते हैं श्री रितेश अग्रवाल सर से। जी सर, आप बच्चों को बताएंगे कि सिविल इंजीनियरिंग मतलब जो सिविल डिप्लोमा से करते हैं तो सिविल कितनी बेहतर है, क्यों बाकी ब्रांचों से सिविल बेहतर है, सिविल लेना चाहिए? देखिए, सिविल लेने का प्रमुख उद्देश्य बच्चों में इस तरह रहता है कि ये रोजगार उन्मुख एक संकाय है जिसमें रोजगार की संभावनाएं वर्तमान में अधिक है। और आप ये मानकर चलिए कि जब कभी भी अगर आप कहीं भी नवनिर्माण होगा तो सिविल इंजीनियरिंग से जुड़ा होगा। एक्चुअली सिविल इंजीनियरिंग का इतना वृहद रूप है कि इसमें बहुत सारी चीजों का समावेश है जैसे कि रेलवेज, हाईवेज, डैम्स। आप छोटे स्तर से शुरू कीजिए और बड़े स्तर तक जाइए, आपको हर जगह सिविल इंजीनियरिंग ही दिखाई देगी। आपको कोई भी इंडस्ट्री अगर लगाना है तो उसका काम सिविल इंजीनियरिंग से शुरू होगा। कहीं पहुंचना है तो वो रोड हाईवे इंजीनियरिंग से शुरू होगा, रेलवे इंजीनियरिंग से शुरू होगा। एयरपोर्ट का जो हमारा रनवे होता है वो भी एक सिविल इंजीनियरिंग का ही पार्ट है। तो आप ये सोचिए कि किसी भी संकाय को शुरू करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग में आपके पास दो ऑप्शंस रहते हैं, एक तो या तो आप शासकीय सेवा में जाएं या निजी संस्थान की सेवा में जाएं या अपना स्वयं का काम करें। तो इसमें भी आपके पास इतने सारे क्षेत्र खुले हुए हैं कि आप अगर शासकीय सेवा में जाते हैं, निजी संस्थानों में जाते हैं या अपना स्वयं का व्यवसाय करते हैं, यानी कि जिसको हम आसान भाषा में समझने के लिए कहें तो जैसे अगर आप कॉन्ट्रेक्टरशिप करते हैं, ठेकेदारी करते हैं, तो इतने सारे विभाग हैं जहाँ पर सिविल के कार्य होते हैं। तो बच्चों से मेरा यही संदेश रहेगा कि वो सिविल इंजीनियरिंग की तरफ आए क्योंकि एक ऐसी ब्रांच है कभी खत्म नहीं होगी, कभी भी इसमें सैचुरेशन नहीं आएगा क्योंकि जीवन भर सड़कें बनेंगी, मकान बनेंगे, पेयजल की व्यवस्था करनी होगी, गांव को समृद्ध करना होगा। तो सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आपकी अपार संभावना है। जी सर धन्यवाद। तो जैसा कि सर ने बताया कि सिविल इंजीनियरिंग की जो है काफी डिमांड है, आप चाहें तो प्राइवेट गवर्नमेंट कहीं भी जा सकते हैं और आप कॉन्ट्रैक्ट के टाइप पे भी काम कर सकते हैं। तो आप सभी लोग सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन लें और यहाँ पे प्रवेश पाएं। धन्यवाद। आइए हम आपको लैब दिखा देते हैं यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग में। ये हमारे यहाँ लैब है। तो ये हमारे लैब टेक्नीशियन है श्री डी के सैन सर और ये हमारे श्री डी के दुबे सर, ये हमारे लैब टेक्नीशियन है, लैब इंचार्ज है, पूरा कार्य यही देखते हैं। और भी सारे इन लोगों के ऊपर बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं,
कॉलेज की। तो आइए हम आपको ये लैब दिखाते हैं। तो सर आप बताएंगे कि ये कौन सी लैब है हमारी? देखिए ये सिविल इंजीनियरिंग विभाग की हाइड्रोलिक्स लैब है। जी सर, हाइड्रोलिक्स लैब इस संस्था की बहुत रिच लैब है। यहाँ पे सारे साधन संपन्न हैं, सारे प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। हाइड्रोलिक्स से संबंधित पानी के जितने भी बहाव है, पानी का सप्लाई है, वो सब हाइड्रोलिक्स के अंतर्गत करवाए जाते हैं। ये आपका ये हमारे यहाँ पैटर्न व्हील लगा हुआ है, पैटर्न व्हील है, ये फ्रांसिस टरबाइन है, हैं तो यहाँ पे ये टरबाइन चलाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर वेंचुरी मीटर है, ओरिफेस है, तो सारे प्रैक्टिकल हाइड्रोलिक्स के अंतर्गत यहाँ पे करवाए जाते हैं। तो आपने देखा जैसे कि सर ने बताया, तो यहाँ पे सारी लैब हैं, अंदर भी और लैब हैं। आप जब आएंगे तो डिटेल में देखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन सी लैब स्थित हैं। तो सारी लैब हैं और सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी हमारे प्रैक्टिकल होते हैं, जो भी सब्जेक्ट में हैं बच्चों को, वो सारे प्रैक्टिकल यहाँ पे करवाए जाते हैं। तो ये था हमारा सिविल इंजीनियरिंग विभाग। इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट है, आप देख सकते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो आइए हम आपको इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के विभाग अध्यक्ष सर से मिलवाते हैं। एसपी अहिरवार सर, सर नमस्ते। तो बताइए कि सर इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में अगर छात्र छात्रा हमारे प्रवेश लेते हैं तो उनके भविष्य में क्या क्या इसके लाभ हैं, कहाँ कहाँ पे जॉब लग सकती है? वहाँ से ये लोग डिप्लोमा करके बी करने जा सकते हैं, वहाँ से उनको रस्त हो सकते हैं, अलग अलग ब्रांच में प्रवेश ले सकते हैं, तो और भी आगे कर सकते हैं उसके। तो जैसा कि आपने देखा कि सर ने बताया, क्योंकि आजकल डिजिटल जमाना है हमारा, तो सीएस और इलेक्ट्रॉनिक्स का काफी हमारा महत्व है, बट बच्चे एडमिशन नहीं लेते हैं क्योंकि ये कोर ब्रांच नहीं है। तो बच्चे सोचते हैं कि यहाँ पे एडमिशन का कोई फायदा नहीं है, बट आप एडमिशन लीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में अगर आप प्रवेश लेते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में आपको बहुत सारी सुविधाएं मिल जाती हैं, और प्राइवेट सेक्टर में इजिली जॉब भी लग जाती है। और गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप बात करें तो बीएसएनएल हो गया हमारा, एसएससी वगैरह के थ्रू भी हमारी कई सारी जॉब लगती है, जो डिप्लोमा बात भी आप कर सकते हैं। रेलवे हो गया हमारा। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट है, और यहाँ पे हमारे जो पदस्थ हैं, हमारे व्याख्याता संदीप सर, उनसे बात कराते हैं आपकी। मैं यहीं का पास आउट स्टूडेंट हूँ, मैंने 2008 में पास आउट हुआ। उसके बाद मैंने बीई की भोपाल के बाद एमटेक की, और वहां से गेट के थ्रू यहां से। तो देखिए सर भी यहीं से पास आउट हैं। तो जैसा कि मैंने आपको इसके पहले भी बताया है कि ये जो हमारा कॉलेज है वो काफी प्राचीन है, तो हमारे कई सारे व्याख्याता तो यहीं से पास आउट हैं। जैसे अभी आपको शुक्ला सर ने बताया था, सीएस डिपार्टमेंट में हमारे सतेन सर हैं, वो भी यहीं से पास आउट हैं। सर भी, तो कई सारे हमारे व्याख्याता जो यहीं से उन्होंने डिप्लोमा किया है, उसके बाद इंजीनियरिंग और एमटेक करने के बाद यहाँ पे ही हमारे जो है लेक्चर के पद पर पदस्थ हैं। और हमारी यहाँ पे एक व्याख्याता मैडम भी हैं, जिनका श्रीमती रागनी लांजेवार, वो अभी थोड़े से काम में व्यस्त हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के बारे में आपने देखा। ये हमारे यहाँ पे एग्जामिनेशन सेल है, जहाँ पे सारी एग्जामिनेशन से रिलेटेड गतिविधियां होती हैं। अब हम आपको अपने लास्ट डिपार्टमेंट से मिलवाते हैं, फोर्थ डिपार्टमेंट से, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो ये हमारा कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है। आइए हम आपको यहाँ के एचओडी सर से मिलवाते हैं। आइए हम आपको सीएस के विभाग अध्यक्ष श्री रितेश अग्रवाल सर से परिचित कराते हैं। तो श्री रितेश अग्रवाल सर हमारे सीएस के एचओडी हैं, उसके साथ साथ जो भी हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उसके भी प्रभारी हैं, और हमारे बॉयज जो हॉस्टल है उसमें दो हॉस्टल हैं, तो एक के हॉस्टल के प्रभारी शुक्ला सर थे और दूसरे के प्रभारी हमारे रितेश सर हैं। तो सर आपको जानकारी देंगे विस्तृत में। ये आज कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि हमारी संस्था में 5 ब्रांचेस संचालित हैं, जैसा कि आपने अभी देखा होगा कि सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस। तो वर्तमान में समय, जैसा आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर्स का दौर है और कंप्यूटर का भविष्य काफ़ी उज्ज्वल है। जितने भी काम हो रहे हैं आजकल सारे ऑनलाइन हो गए हैं। कोरोना काल में भी आपने देखा होगा कि ऑनलाइन पद्धति को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया, तो आने वाला समय निश्चित तौर पर हमारे कंप्यूटर साइंस के लिए बहुत अच्छा भविष्य लेकर आएगा। इस विभाग में मैं तो यहाँ कार्यवाहक विभाग अध्यक्ष का कार्य देखता हूँ, लेकिन हमारे साथ श्रीमती रीता सोनी जो कि यहाँ पर व्याख्याता है, श्री सत्येंद्र सिंह यादव जो भी यहाँ पर कंप्यूटर साइंस के व्याख्याता है, आप दोनों ही बहुत ही योग्य शिक्षक हैं, जिसमें से श्री सत्येंद्र यादव नेशनल लेवल की परीक्षाओं में टॉप करके आए हुए हैं। श्रीमती रीता सोनी वो भी एक विशेष बीएससी परीक्षा से चयनित होकर आई है और यहाँ पर काफी अच्छा शिक्षा कार्य में योगदान देती है।
तो मुझे आशा है कि जो छात्र कंप्यूटर संकाय में अपना प्रवेश लेना चाहते हैं उनके लिए भविष्य को देखते हुए ये संकाय में प्रवेश लेना काफी अच्छा है। जी सर, धन्यवाद। सर आप सांस्कृतिक प्रभारी भी हैं तो आप इसके बारे में बच्चों को थोड़ा सा बताएं। मैं सांस्कृतिक प्रभार भी देखता हूं, तो हमारे यहां जो 15 अगस्त और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है तथा बीच बीच में शासन के निर्देश अनुसार भी जो भी का आयोजन किए जाते हैं उसमें छात्रों की सहभागिता रहती है, चाहे वो निबंध लेखन हो, चाहे वो पोस्टर मेकिंग हो। और इसके साथ साथ चूंकि एक तकनीकी संस्था है इसीलिए तकनीकी विषयों पर भी बच्चे हमारे यहाँ पोस्टर और प्रोजेक्ट्स तैयार करते हैं, तो उसको भी हम सांस्कृतिक से जोड़कर देख सकते हैं। जी सर। सर और हॉस्टल की क्या सुविधा है यहाँ पे? वर्तमान में हमारे यहाँ 3 छात्रावास है, है ना, जिसको भविष्य में इस तरह का निर्णय लिया गया है कि हर वर्ष के लिए एक अलग अलग छात्रावास इंगित कर दिया जाए। पहले किसी भी हॉस्टल में किसी भी वर्ष के छात्र रह सकते थे, पर ऐसा भी प्रस्तावित किया गया है क्योंकि कुछ छात्रावासों का मरम्मत कार्य किया जाना प्रस्तावित है, अतः भविष्य में इन 3 हॉस्टलों को प्रति वर्ष के लिए एक हॉस्टल डेडिकेट कर दिया जाएगा, जिससे कि छात्रों में अपने सहपाठियों के साथ रह सकें और उनको घर जैसा अनुभव महसूस हो। जी सर, धन्यवाद। तो आइए हम आपको मिलवाते हैं हमारे व्याख्याता श्री सत्येंद्र यादव सर से। तो सर आप बच्चों को बताएं कि सीएस में अगर वो एडमिशन लेते हैं तो इससे उनके भविष्य में क्या, मतलब भविष्य कैसे उज्जवल होगा, कहां कहां पे वो जॉब ले सकते हैं? पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारे यहां पे जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, यहां पर हम लोग कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से संबंधित जितने भी विषय हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, उनका छात्रों को फंडामेंटल से लेकर के उनको थोड़ा डेप्थ लेवल पर तक हम लोग यहाँ पे पढ़ाते हैं। साथ में हम लोग प्रोग्रामिंग से संबंधित जो विषय हैं उनके यहाँ पे डेप्थ लेवल पे प्रैक्टिकल भी कराए जाते हैं। जब से कोरोना काल चल रहा है तब से यहाँ पर सब सारी क्लासेस ऑनलाइन संपादित की जा रही हैं। कंप्यूटर साइंस विभाग एक ऐसा विशेष प्रकार का विभाग है जहाँ पे कोरोना काल में जो ऑनलाइन क्लासेस ली जा रही हैं उनसे मुझे हम लोगों को उल्टा नुकसान की जगह फायदा ही हुआ है, क्योंकि सारे कार हम लोग के कंप्यूटर से ही कराए जाते थे और प्रैक्टिकल जैसे हम लोग ऑनलाइन करा रहे थे तो वो भी कंप्यूटर से ही हो रहे हैं। तो इसमें कोरोना से हम लोगों की शिक्षण कार्य में कोई फर्क नहीं पड़ा है। हम लोग बच्चों को डेप्थ लेवल तक भी यहाँ पे प्रोग्रामिंग करा रहे हैं और बच्चे बहुत अच्छे से सफलतापूर्वक काफी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बना रहे हैं। उनका भविष्य, अगर आप डिप्लोमा के बाद भी अगर नौकरी करना चाहें तो कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो डिप्लोमा के बाद भी बड़ी बड़ी कंपनियों में प्लेस हो रहे हैं। साथ में उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हैं तो वो अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूशन में यहाँ पे जाके सेकंड ईयर में डायरेक्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में इनको एडमिशन मिल रहा है और वहाँ पर भी वो कई सारी कंपनियों में एक साथ प्लेस हो रहे हैं और अच्छा खासा उनका पैकेज है। और फ्यूचर में कंप्यूटर साइंस में सबसे ज्यादा एब्रॉड जाने की जो संभावना है तो फ्यूचर में कंप्यूटर साइंस में पूरे देश में अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा अगर कंपनी अगर कोई कार्यरत है तो वो आईटी और सीएस कंपनी है जो इंडिया में भी काम कर रही है और उनकी कई सारी ब्रांचेस हैं जो विदेशों में भी काम कर रही है। मेरे साथ के कई सारे जो सहपाठी थे वो आज मैक्सिमम 90% से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो अब्रॉड में जाके सेवा प्रदान कर रहे हैं, भारतीय कंपनियों में भी प्लेस हैं और इंटरनेशनल कंपनी में भी प्लेस है। जी सर, धन्यवाद। तो आइए अब हम आपको हमारी व्याख्याता श्रीमती रीता सोनी से मिलवाते हैं। तो मैडम बताइए कि यहाँ बच्चे अगर प्रवेश लेते हैं तो उनको क्या फायदा होगा? देखिए, उनको यदि वो सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में बढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं और साथ ही वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर ये इस क्षेत्र में आप जा सकते हैं। और साथ ही यदि वो गवर्नमेंट जॉब में इंटरेस्टेड है तो वो ITI जो इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज होता है वहाँ जूनियर साइंटिस्ट की पोस्ट भी हासिल कर सकते हैं, या जितने भी असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट होता है लाइक टेलीकॉम एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकॉम और ऑल इंडिया रेडियो, यहाँ पर भी वो अपनी जॉब अच्छे से ले सकते हैं। तो आप सभी का स्वागत है, आइए, वेलकम। ओके मैम, थैंक यू। तो आपने देखा कि जो हमारा CS डिपार्टमेंट है, CS के बारे में कि CS में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको गवर्नमेंट भी जॉब मिलती है और प्राइवेट कई सारी जॉब उपलब्ध रहती हैं। ये हमारे दोनों ही व्याख्याता जो हैं श्री रितेश अग्रवाल सर और सत्येंद्र यादव सर, ये यहीं से डिप्लोमा किए हुए हैं और अब यहाँ भी लेक्चर के पद पर पदस्थ हैं। तो हमारा पॉलिटेक्निक महाविद्यालय नौगांव काफी प्राचीन है, ये मैंने आपको बताया है। तो हमारे यहाँ के 10% से 20% जो व्याख्याता है वो यहीं से डिप्लोमा किए हुए हैं, उसके बाद यहीं पे हमारे पदस्थ हैं। तो आइए हम आपको यहाँ पे लैब दिखा देते हैं। तो ये हमारी लैब है, यहाँ पे ये बहुत सारे हमारे रखे हुए हैं कंप्यूटर। तो जो भी बच्चे आते हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती है, वो काफी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। भी प्रभारी हैं तो उसके बारे में भी बताएंगे कि यहाँ पे कौन कौन से खेल होते हैं। तो सर बताइए कि लाइब्रेरी में कौन कौन सी किताबें हैं, कब से हमारी लाइब्रेरी बनी हुई है?
ये लाइब्रेरी संस्था के स्थापन से ही 1950 से ही संचालित है, 2 अक्टूबर 1950 से, और यहाँ 38,962 किताबें हैं मेन में, और उसके बाद और वॉल्यूम्स हैं जो मतलब विषय संबंधित नहीं है वह भी स्थापित हैं। इसके साथ SC ST का अलग बुक बैंक है, वहाँ 8,662 किताबें हैं जो कि SC ST बच्चों को इन किताबों के अतिरिक्त भी दी जाती है, और सामान्यतः मेन लाइब्रेरी से जनरल के लिए बच्चों के लिए OBC के लिए दी जाती है, और SC ST के लिए अलग से बुक बैंक है, वहाँ से बच्चों के लिए किताबें होती है। जी सर, धन्यवाद। और सर, खेल से रिलेटेड यहाँ पे कौन कौन से खेल होते हैं? खेल से मैं पीटी हूँ तो यहाँ पर लगभग सारे के इंडोर बैडमिंटन है और टेबल टेनिस वगैरह होते हैं, और आउटडोर में क्रिकेट और जो भी गेम से बच्चे खेलना चाहते हैं, हमारे एबिलिटी सबकी है, बच्चे जो भी इंटरेस्ट होते हैं सारे गेम्स। ये आपको हम जनरल सेक्शन डिपार्टमेंट से मिलवाते हैं, तो यहाँ के HOD हैं श्री शैलेश गुप्ता सर, और ये हमारे एडमिशन इंचार्ज भी हैं। तो सर, आप बच्चों को बताइए कि एडमिशन की क्या क्या प्रोसेस है, यहाँ पे कितनी कितनी सीट हैं बच्चों को। नमस्कार, यहाँ पर एडमिशन के लिए प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट होता है, व्यापम के द्वारा होता है, लेकिन अभी COVID-19 की वजह से ये टेस्ट नहीं हुआ है, और बच्चों का प्रवेश 10th के मार्क्स के आधार पर हो रहा है, जो हाई स्कूल में उन्होंने अंक अर्जित किए हैं उसके आधार पर वर्तमान में प्रवेश दिया जा रहा है। इसके लिए सर्वप्रथम बच्चों को DTMPonline.gov.in वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद उनको उनका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता है ऑनलाइन, उसके बाद उनको चॉइस फिलिंग करना रहता है, और चॉइस फिलिंग के बाद उनको कॉलेज अलॉटमेंट होता है। तो ये सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होती है, और इसका एक निर्धारित शुल्क होता है, तो वो जमा करके छात्र इसमें हिस्सा ले सकता है। फिर उसके बाद छात्र को कॉलेज अलॉट होता है, और जब कॉलेज अलॉट होता है तो वो अलॉटमेंट लेटर लेकर के छात्र को उस संस्था में जाना रहता है। तो उस संस्था में जब छात्र प्रवेश करेगा तो वहां पर उसको सारे अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। तो जो डॉक्यूमेंट्स उसको चाहिएंगे वो रहेगा, एक तो अलॉटमेंट लेटर जो कि ऑनलाइन निकाला उन्होंने, जिसमें कॉलेज का नाम और ब्रांच जो उसको अलॉट हुई है, उसके अलावा मध्य प्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, उसका आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, उसका आधार कार्ड, समग्र ID और अन्य कोई डॉक्यूमेंट उसके पास हो तो वो उसमें, और उसके अलावा ओरिजिनल ट्रांसफर सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। अब ये सारी एडमिशन की प्रोसेस के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर छात्र को कॉलेज में आना होता है, वहां पर प्रवेश फॉर्म भराया जाता है छात्र से, और सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से हम लोग वेरीफाई करते हैं पूरे डॉक्यूमेंट। जब सारे डॉक्यूमेंट सही पाए जाते हैं तो छात्र को प्रवेश दिया जाता है। वर्तमान में अभी सत्र 2021-22 में हमारे यहाँ पर 5 ब्रांच संचालित हो रही है, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कंप्यूटर साइंस। अभी सभी ब्रांचों में हमारे यहाँ 54 सीट्स, और उसके अलावा 3-3 सीटें TFW के लिए भी है, ट्यूशन फी वेवर। ट्यूशन फी वेवर के लिए एडमिशन जिन छात्रों की माता पिता की आय 8 लाख रुपए से कम है वो उनको मेरिट के आधार पर TFW में प्रवेश दिया जाता है। उसके अलावा 6-6 सीटें हमारे यहाँ पे EWS की है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन स्टूडेंट्स के लिए है, ये अलग से रिजर्व्ड है 54 के अलावा। तो जैसे ही छात्र को प्रवेश मिलता है उसको यहाँ पर शिक्षण शुल्क जमा करनी होती है 10,000 रुपए, और उसके अलावा संस्था शुल्क जमा होती है 220 रुपए, 50 रुपए क्वेश्चन मनी जमा होती है, और जो अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र हैं उनको शिक्षण शुल्क छात्रवृत्ति आने के पश्चात जमा करना होता है, अभी उनको सिर्फ संस्था शुल्क जमा करना रहता है। बाकी सामान्य वर्ग और OBC के छात्रों को पूरी फीस जमा करनी होती है, और हमारे यहाँ पर छात्रों के लिए विभिन्न छात्रवृत्ति भी दी जाती है, जैसे कि सामान्य वर्ग के लिए मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना है, जिसमें छात्र के पिता का अगर संबल कार्ड बना है तो उसको शिक्षण शुल्क में छूट मिलती है और वो छात्रवृत्ति के लिए पात्र है। उसके अलावा OBC के लिए स्कॉलरशिप है, SC ST के लिए स्कॉलरशिप है, निशक्त जन के लिए स्कॉलरशिप है हमारे यहाँ पर, छात्राओं के लिए है प्रगति योजना, सक्षम योजना, विभिन्न प्रकार की स्कॉलरशिप के द्वारा छात्रों को राशि प्रदान की जाती है,
और इसके अलावा हमारे यहाँ पर सारी सुविधाएं मौजूद है, प्लेसमेंट वगैरह सारी खेलकूद की सुविधा सारी फैसिलिटीज है। और हमारे डिपार्टमेंट में अलग अलग प्रोफेसर्स है, केमिस्ट्री में मैं हूँ और मैडम आभा गुप्ता, कम्युनिकेशन स्किल में प्रोफेसर एस पी नायक, मैथ्स में प्रोफेसर एस डी शर्मा जी है जो कि उनके द्वारा की अध्यापन किया जाता है, छात्रों को विभिन्न प्रकार के प्रैक्टिकल्स प्रोजेक्ट और फील्ड विजिट कराई जाती है और छात्रों का काफी हम लोग प्रोत्साहन करते हैं। तो आप लोग आइए और यहाँ पर प्रवेश ले सकते हैं। और सर प्रवेश कब से स्टार्ट हो रहे हैं? प्रवेश की ये प्रक्रिया 10 तारीख से काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है, तो छात्र को 10 अगस्त से ही रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और उसके बाद ये सितंबर में एडमिशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। जी सर धन्यवाद। तो जैसा कि सर ने बताया एडमिशन की प्रोसेस, तो 10 तारीख से आपके एडमिशन स्टार्ट हैं, तो आप एडमिशन ले सकते हैं। लास्ट में कॉलेज लेवल काउंसलिंग भी होती है, तो उसमें आप डायरेक्ट आके एडमिशन ले सकते हैं। तो अब आइए हम आपको मिलवाते हैं श्री एस पी नायक सर से, ये हमारे कम्युनिकेशन के लेक्चरर हैं। जी सर धन्यवाद। मैडम आप सभी छात्रों को इस संस्था में प्रवेश के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। मध्य प्रदेश शासन के तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत यह एक शासकीय पॉलिटेक्निक संस्था है जो कि वर्ष 1952 से संचालित है। यहाँ पे जैसा कि गुप्ता सर ने बताया था कि 5 ब्रांचें संचालित हैं, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। जो जनरल साइंस डिपार्टमेंट है इसमें सारे कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं, हमारे जो प्रोफेसर हैं वो सारे कंपलसरी सब्जेक्ट्स को डील करते हैं और सभी बच्चों को चाहे वो किसी भी ब्रांच के हों उनको ये सारे विषय पढ़ना अनिवार्य होता है, कुछ लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर में और कुछ लोगों को सेकंड सेमेस्टर में। न केवल विषय का अध्यापन करने के अलावा आपको प्रोफेशनल एक्टिविटीज, आपका प्रोफेशनल डेवलपमेंट और कई अलग अध्यापन की विधियां जैसे कि प्रोजेक्ट वर्क, लाइव प्रोजेक्ट, रीडिंग सेमिनार्स, इन सब चीजों के माध्यम से बच्चों को अध्ययन और अध्यापन में कुशलता लाने के लिए और उनके चहुमुखी विकास के लिए यहाँ प्रयास किया जाता है। तो आप सब लोगों से आग्रह है कि निश्चित ही आप प्रदेश की सबसे पुरानी और गौरवशाली संस्था को चुने। धन्यवाद। जी सर आइए हम आपको मैडम से मिलवाते हैं। आभा गुप्ता मैम है, श्रीमती आभा गुप्ता मैम, ये हमारी केमिस्ट्री की प्रोफेसर है। जी मैम आप बच्चों को कुछ बताएं। धन्यवाद। जैसा कि हमारे एचओडी सर ने और डायरेक्टर सर ने बताया कि हमारी ये संस्था काफी पुरानी 1952 से संचालित है और अगर आप अन्य कॉलेजों की तुलना में देखेंगे तो यहाँ पे परमानेंट फैकल्टी की संख्या आपको ज्यादा मिलेगी क्योंकि पॉलिटेक्निक कॉलेज बहुत सारे हैं एमपी में, नो डाउट, लेकिन उसमें गेस्ट फैकल्टीज का वेल क्वालिफाइड होते हैं वो लोग भी, लेकिन हमारे यहाँ परमानेंट फैकल्टीज बहुत ज्यादा मिलेंगे। आप जनरल सेक्शन में ही जाए तो सीधे 4 परमानेंट फैकल्टीज हैं हमारे यहाँ, तो निश्चित रूप से एक अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा बच्चों को हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। और रही बात दूसरे, तो हमारे यहाँ एक काफी इक्विपमेंट रिच फिजिक्स लैब है, केमिस्ट्री लैब है, बाकी लैब में भी बढ़िया काम होता है, तो ना सिर्फ हम बच्चों को किताबी शिक्षा देने में सक्षम है बल्कि हम उन्हें वेल इक्विप्ड और कला कौशल युक्त जो पॉलिटेक्निक का मेन एम है उसमें उनको हुनरमंद करने में सक्षम है। तो निश्चित रूप से मैं बच्चों से या जो भी बच्चे यहाँ पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करने के इच्छुक हैं वो हमारी संस्था में प्रवेश ले सकते हैं। और चूंकि 1952 से बनी हुई है संस्था तो बहुत कुछ ऐसी फंडामेंटल चीजें हैं यहाँ पे जो उनको अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगी। बच्चे आए और उनको छात्रवृत्ति वगैरह भी मिल जाती है तो बहुत ज्यादा उनको, हम कहते हैं अगर वो इकोनॉमिकली वीक सेक्शन से भी आ रहे हैं तो भी यहाँ पे उनको किसी प्रकार का बर्डन नहीं मिलने वाला है। तो आए वो लोग और हम लोग तो फिर मिलेंगे ही सबके सब यहाँ पे, तो निश्चित रूप से अगर वो मॉरली या इकोनॉमिकली किसी तरह से वीक फील करता है तो उसको हर तरह का सपोर्ट भी यहाँ से मिलेगा। तो बच्चे आए और यहाँ प्रवेश में ऐसा मैं बच्चों से कहती हूँ कि वो आए। जी मैडम धन्यवाद। तो आइए यहाँ पे ये हमारे राहुल सर हैं लैब टेक्नीशियन और ये हमारे एसडी शर्मा सर हैं, ये मैथ्स के लेक्चरर हैं। तो सर आप भी बच्चों से कुछ कहें। धन्यवाद मैडम। उन्हें कहना चाहेंगे छात्रों से कि ये जो 10 तारीख से रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएं एडमिशन के लिए और फिर लोकल काउंसिलिंग भी होगी, तो जिनका इस मेरिट के आधार पर एडमिशन हो जाता है तो ठीक है, नहीं फिर लोकल काउंसिलिंग के माध्यम से एडमिशन ले सकते हैं। अपने यहाँ सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस ब्रांच संचालित हैं और जितना अधिक से अधिक हो जाए यहाँ प्रयास किया जाता है कि छात्र अच्छे ऊंचे स्तर पर पहुँचे। धन्यवाद।
जी सर, धन्यवाद। तो ये था हमारा जनरल सेक्शन डिपार्टमेंट। जो भी बच्चे प्रवेश लेते हैं तो सबसे पहले वो इन्हीं अध्यापकों से और टीचरों से मिलेंगे। फर्स्ट ईयर में यही अध्यापक उनको पढ़ाएंगे। तो आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं, प्रवेश ले सकते हैं। धन्यवाद। ये हमारी सहयोगी श्रीमती रीता सोनी मैम आपसे कुछ बात करना चाहती हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ, जैसे कि आप सभी परिचित हैं कि यहाँ पे 5 ब्रांचेस खुली है और यहाँ पे बच्चों के जो प्रोजेक्ट बहुत ही बेहतरीन बने हैं, उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको शो करना चाहती हूँ। ये देखिए, आइए, ये देखिए, यहाँ के बच्चों के द्वारा बनाए हुआ कंस्ट्रक्शन बच्चे जो बहुत ही बेहतरीन है, इस तरीके से और भी प्रोजेक्ट यहाँ पर बनाए गए हैं। तो यहाँ पर जो बच्चे हैं काफ़ी टैलेंटेड हैं और बहुत ही ज़्यादा प्रतिभाशाली जो लेक्चरर्स हैं यहाँ पे, उनके गुणों से वो लाभान्वित हुए हैं। और मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप सभी यहाँ पर प्रवेश लीजिए और यहाँ के जो प्रतिभाशाली जो हमारे लेक्चरर्स हैं उनके गुणों से आप भी लाभान्वित हुए। हमारे यहाँ पे 10 अगस्त से प्रक्रिया शुरू हो रही है एडमिशन की। आप यहाँ आए और हमारे कॉलेज का विजिट करें और अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अपनी ब्रांच चूज करें। थैंक यू। थैंक यू मैम।